हेलो दोस्तों, आज आपके बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फारूस ड्राइव में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक जानदार शानदार एक्स्ट्रा वीडियो लेके आया हूँ जो कि है कंपेरिजन वीडियो महिंद्रा 265 डी एक्सपी प्लस और महिंद्रा 275 डी एक्सपी प्लस में। इन दोनों में हम आज कंपेरिजन देखें क्या क्या कंपेरिजन है। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके बताएँ, और वीडियो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले बात करें दोनों ट्रैक्टरों में, महिंद्रा का खुद का इंजन आता है, 3 सिलेंडर इंजन। दिखा देता हूँ आपको महिंद्रा का 3 सिलेंडर इंजन। इसके अंदर आपको बोस का इनलाइन पंप मिलेगा, सेम इसके अंदर आपको बोस का इनलाइन पंप मिलेगा महिंद्रा के अंदर 265 DX+ महिंद्रा की खुद का इंजन। इसके अंदर भी बोस का इनलाइन पंप है। दोनों ट्रैक्टर के अंदर 6 साल की आपको वारंटी मिलेगी, और इसके वारंटी के अंदर आपको इनकी जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करना पड़ता है। इंजन सीसी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 275 के अंदर आपको इंजन सीसी मिलेगी, 2235 CC का आपको इंजन मिलेगा, और इसके अंदर आपको 2048 CC का इंजन मिलेगा। 275 में आपको 2235 CC का इंजन रेटेड आरपीएम दोनों के 2000 के करीब है। दोनों के सेम आरपीएम इंजेक्टेड आरपीएम मिलेंगे आपको। कूलिंग सिस्टम इसके अंदर आपको 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप प्री रिकलर मिलेगा। इसके अंदर आपको वाटर कूल इंजन मिलेगा। दोनों भूमिपुत्र सीरीज के साथ आते हैं। इसके अंदर आपको कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स मिलेगा, और इसके अंदर आपको स्लाइडिंग मैस और PCM ऑप्शन मिलेगा। पार्शियल कॉन्स्टेंट मैस का आपको ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। बात करें बैटरी की, दोनों के अंदर आपको 12 वोल्ट 75 एम्पीयर की बैटरी मिलेगी। दोनों के अंदर सेम बैटरी मिलेगी आपको, सेम अल्टरनेटर मिलेगा 12 वोल्ट 36 एम्पीयर का। फॉरवर्ड मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 265 की ज़्यादा है। इसकी आपको मिलेगी 29.16 किलोमीटर पर आवर, और इसकी आपको मिलेगी 29.6 किलोमीटर पर आवर। रिवर्स स्पीड इसकी कम है 265 की, 11.62 किलोमीटर पर आवर। इसकी है 11.8 किलोमीटर पर आवर। दोनों के अंदर आपको ऑयल ब्रेक मिलेंगे। दोनों के अंदर आपको इसके अंदर आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा मैकेनिकल स्टेयरिंग लो या फिर पावर स्टेयरिंग लो, और दोनों के अंदर आपको घुमाव डायरेक्शन मिलेगी। दोनों के अंदर आपको 6 स्प्लाइन PTO मिलेगी, जो कि अपने 5000 सेकंड पूरा कर लेती है 1890 RPM पे। फ्यूल टैंक दोनों के अंदर सेम है, 5500 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर आपको 1760 kg की मिलेगी, और इसके अंदर आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। व्हील बेस दोनों के अंदर सेम है, 1880 mm का आपको इसके अंदर व्हील बेस मिलेगा, और इसका ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इसकी ओवरऑल लेंथ मिलेगी आपको 3359 mm की। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 1637 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 320 mm की, और टर्निंग रेडियस विद ब्रेक 3260 mm की। सॉरी दोस्तों, जो मैंने आपको वेट बताया था, लिफ्ट कैपेसिटी नहीं थी, वो टोटल वेट था। इसका टोटल वेट आपको 1800 kg मिलेगा, इसका टोटल वेट आपको 1760 kg मिलेगा। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूं तो इसके अंदर आपको 1200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी, और इसके अंदर आपको 1500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। दोनों के अंदर 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम मिलेगा, और दोनों 2-व्हील ड्राइव आपको ट्रैक्टर मिलेंगे। दोनों फ्रंट टायर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 616 का फ्रंट टायर मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको सेम फ्रंट टायर मिलेगा और सेम टायर मिलेंगे दोनों के अंदर, और 8+2 का गियर बॉक्स मिलेगा दोनों के अंदर। सेम मीटर कंसोल मिलेगा इसका, दिखा देता हूँ ऐसा कुछ इसका पीछे कैसा मिलेगा। ये 275 है, इसको ऐसा कुछ पीछे कैसा मिलेगा, और CRP का ड्यूल क्लच मिलेगी इसके अंदर, उसके अंदर आपको सिंगल क्लच मिलेगी। दोनों के अंदर लोहे का टूल बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स में बता दी थी आपको, मल्टी स्पीड रिवर्स PTO मिलेगा आपको, सिंगल QR स्कीपर मिलेगा, एडजस्टेबल सीट है ऊपर नीचे, और बोटल रखा मिलेगा। इसका चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिलेगा, ये चार्जिंग पोर्ट खुल जाएगा यहाँ पे ऐसे। ये इसके लाइटर है कंट्रोल, ये इंडिकेटर, ये इसका फ्यूल गेज, ये फ्यूल गेज, ये टेम्परेचर गेज, ये RPM मीटर, और ये यहाँ पे कितने इंटर चल गया उसको पता चलेगा। इसके अंदर सारी चाबी होती है, दिखा देता हूँ आपको। मैं इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ ट्रैक्टर की, यहाँ से ट्रैक्टर बंद होएगा। ये ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले ट्रैक्टर न्यूट्रल कर लें, दोनों गियर न्यूट्रल करें, और चाबी लगेगी इसकी यहाँ पे।
ऐसा कुछ इसका मीटर कंसोल मिलेगा। दोस्तों टेस्ट ड्राइव आपका आवाज़ सुनवाता हूँ। आपको मोस्ट की और आवाज़ सुनो तो 200 एक्स्ट्रा की, ये 275 था और 265 की और सुनना आपको आवाज़। दोस्तों फ्यूल नहीं, इसके अंदर फ्यूल नहीं है दोस्तों, इसे थोड़ा झटके दे अटैक। इसके अंदर दोस्तों तेल नहीं था, इसे थोड़ा झटके खा रहा था ये। बाकी आप दोनों ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवाई मैंने कैसी लगी, और ये मैकेनिकल स्टेयरिंग में, वो पावर स्टेयरिंग में था, और दोनों के में ज़्यादा कुछ खास फर्क है नहीं, 30,000 का फ़र्क है। तो आप अब अपने काम के हिसाब से देख लेना आपको कौन सा बेस्ट लगता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।